तो दोस्तों मुझे पता है कि आप सब दुखी है क्योंकि डीडी फ्रीडीस में 19 चैनल डीडी फ्रीडीस से हट गए, अच्छे वाले चैनल हट गए। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक वीडियो दूंगा जिसमें आपको यही वीडियो में आपको सारा प्रूफ दिखाऊंगा कि ये चैनल वापस आ सकते या नहीं। दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों सबसे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के वीडियो शेयर जरूर कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे मैं एक बात बता देता हूँ, दोस्तों जो डीडी फ्रीडीस में चैनल आते हैं वो यही सैटेलाइट से आते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो जिंग चैनल यहाँ पे चल रहा है। तो दोस्तों डीडी फ्रीडीस पे ये चैनल अभी आया है, लेकिन ये चैनल यहाँ पे लगभग पहले से ही चल रहा है, बिल्कुल फ्री टू है। इसके अलावा आप देखेंगे तो वाव टीवी आपको मिल जाएगा, वी टीवी मिल जाएगा। और दोस्तों खास बात है कि डीडी फ्रीडीस में जो चैनल बंद हो चुके वो यहाँ पे वापस आ सकते हैं, डीडी फ्रीडीस में वापस देख सकते हैं। इसके बारे में आपको सारे डाउट क्लियर करने वाला हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ जो डीडी फ्रीडीस में चैनल है इससे भी बढ़िया चैनल दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे अच्छे चैनल आपको इस सैटेलाइट में मिल जाएंगे। और दोस्तों आपको तार उत्सव देखना है तो वो तो कभी वापस नहीं आएगा, अभी एक चैनल वापस आ सकता है, इसके बारे में आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों डीडी फ्रीडीस में बहुत ही अच्छा चैनल था सोनी वाह, तो दोस्तों ये चैनल मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे बिल्कुल फ्री टू एयर चल रहा है। दोस्तों यहाँ पे लिस्ट देख सकते हो, वो सारे के सारे चैनल यहाँ पे आपको चल जाएंगे। अभी मैं आपको सोनी वाह दिखा देता हूँ जो डीडी फ्रीडीस में 1 मार्च से हट गया है, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल फ्री टू एयर चल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो सोनी वाह बिल्कुल अच्छे से चल रहा है। दोस्तों इसमें कोई इंटरनेट लगाने की जरूरत नहीं, केवल आपके पास MPG4 फ्री टू एयर बॉक्स होना चाहिए तो ये चैनल चल जाएगा। दोस्तों सोनी वाह ही नहीं, सोनी का पूरा पैकेज आप इसमें बिल्कुल फ्री टू एयर देख सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो अच्छे अच्छे चैनल है वो डीडी फ्रीडीस के सेटअप बॉक्स में आप देख सकते हो। दोस्तों आप सोच रहे हैं कि डीडी फ्रीडीस की छोटी डिश में ये चैनल वापस आएंगे, तो दोस्तों मैं फर्स्ट बता देता हूँ कि दोस्तों ये चैनल जो बंद हो चुके वो डीडी फ्रीडीस में वापस नहीं आ सकते, फ्री टू एयर आप नहीं देख सकते क्योंकि वो अपनी मर्जी से गए। तो दोस्तों इसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप थोड़ा सा जुगाड़ करेंगे तो ऐसे चैनल देख पाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो सोनी सब बिल्कुल फ्री टू एयर चल सकता है, फिर रॉक्स HD भी फ्री टू एयर चल सकता है। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ कि दोस्तों ये सैटेलाइट है सी बैंड का 105 डिग्री SSH 7, जिसके लिए कम से कम 4 फीट की सी बैंड की डिश चाहिए, जिसमें आपको लगभग 350 से 400 फ्री टू एयर चैनल मिल जाते हैं। दोस्तों ये चैनल लाइफ टाइम चलती है और दोस्तों लीगल तरीके से ये चैनल आप देख सकते हैं क्योंकि फ्री टू एयर चैनल देखना कोई गुनाह नहीं है। तो दोस्तों आप सी बैंड का डिश लेंगे और ये सैटेलाइट लगाएंगे तो सारे के सारे चैनल फ्री टू एयर चला सकते हैं। तो दोस्तों मैं स्टार उत्सव की बात कर लेता हूँ। दोस्तों स्टार उत्सव अभी सभी प्लेटफॉर्म पे बंद हो गया है क्योंकि SSH 7 पे स्टार उत्सव है वो बिल्कुल फ्री टू एयर चलता था, लेकिन 1 मार्च से वो पेड होगा। इसका मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ। तो दोस्तों मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे स्टार उत्सव पहले से चलता था, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे डॉलर निशान वाला सिंबल आ गया स्टार भारत स्टार उत्सव, यहाँ पे ये फ्री टू एयर नहीं चलता। तो दोस्तों अभी आप कोई भी प्लेटफॉर्म में देखेंगे लेकिन स्टार उत्सव आपको कहीं फ्री टू एयर देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों आप ऐसे वीडियो देखते हैं तो इसको छोड़ दो क्योंकि ये चैनल आपको वापस नहीं मिलेंगे। दोस्तों ये चैनल वापस आ सकते हैं लेकिन ई ऑक्शन के बाद ही आ सकते हैं। दोस्तों इसका कोई फिक्स नहीं है, इसके बारे में कोई नहीं बता सकता, डीडी फ्रीडीस ओनर CC शेखर साहब भी इसको नहीं बता सकते कि ये चैनल आएंगे या नहीं। दोस्तों मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। दोस्तों इसके साथ मैं आपको दूसरे भी चैनल दिखा देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे तो बहुत ही मस्त चैनल है जो ई ऑक्शन होता है और 39 में ई ऑक्शन होने वाला है, इसमें जो चैनल ऐड होने वाले हैं वो सारे के सारे चैनल यहाँ से ही ऐड होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो मैं चैनल लिस्ट दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे आपको मदनी चैनल भी मिल जाता है, स्टार एशिया भी मिल जाता है, ऐसे अच्छे अच्छे चैनल है वो आपको डीडी फ्रीडीस में मिल जाता है। इसके साथ आपको सहारा का पूरा पैकेज मिल जाता है। तो दोस्तों देखा जाए तो ये बहुत ही अच्छा सैटेलाइट है SSH 7 जो डीडी फ्रीडीस से तो बहुत ही अच्छा है क्योंकि इसमें हमें लगभग 400 फ्री टू एयर चैनल मिल जाते हैं। दोस्तों ये था हमारा छोटा सा वीडियो। दोस्तों मुझे आशा है कि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और डीडी फ्रीडीस में आपको कौन से चैनल चाहिए वो हमें कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों हम मिलते हैं नए दिन नए वीडियो के साथ, तब तक ले जय हिंद वंदे मातरम।